सात दिनों से जारी क्रमिक भूख हड़ताल की सुनवाई नहीं होने पर ग्राम पंचायत डोंगरपुर की निवासी महिला, पुरुष, बच्चों सभी ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर तहसील से जनपद पंचायत कार्यालय तक रैली निकाली। जनपद पंचायत पर ज्ञापन देने के लिए जब ग्रामवासी पहुंचे तब मुख्य कार्यपालन अधिकारी ईश्वर चंद्र वर्मा कार्यालय के दरवाजे बंद कर एयर कंडीशनर कक्ष में बैठे रहे। ग्रामवासियों का ज्ञापन नहीं लिया और ना ही दरवाजा खोला। ग्रामवासी महिला, पुरुष, बच्चे धूप में खड़े हुए गुहार लगाते रहे। अंत में उनका धीरज का बांध टूटा और उन्होंने खुद दरवाजा खोलकर सीईओ के चेंबर में घुसकर उनका घेराव किया और ज्ञापन दिया। तब मजबूरन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्रामवासियों के बीच आकर ज्ञापन लेना पड़ा और ग्रामवासियों के आग्रह पर लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामवासियों की मांग है कि गलियों से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, नाले नाले साफ कराए जाए, एमएस रोड के नाले को सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाए और पंचायत में हुए घपले घोटालों की जांच कराई जाए। इस संबंध में ईश्वर चंद्र वर्मा ने 3 दिवस का आश्वासन दिया है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अरुण कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कमल यादव, सहायक यंत्री ब्रजेश आर्य, उपयंत्री का 3 सदस्यीय दल गठित किया गया है जो 7 दिवस में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और कार्रवाई की जाएगी। इस लिखित आश्वासन के बाद ग्रामवासी भूख हड़ताल स्थल पर तहसील पर वापस हुए। केलारस से गौरव गोड़ की ये रिपोर्ट।